लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत भाजपा शहर में बूथ चलो अभियान चलाएगी। सोमवार से आरंभ हो रहे इस अभियान के तहत शहर में विविध क्षेत्र में भाजपा के नेता व पदाधिकारी जनसंपर्क करेंगे। विविध क्षेत्रों के जानकारों से मुलाकात कर केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किए गए कार्यों की चर्चा करेंगे। रविवार का पत्रकार वार्ता में भाजपा के शहर अध्यक्ष बंटी कुकड़े ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए भाजपा कार्यकर्ता सहायता करेंगे। कुछ अड़चन हो तो उसे दूर किया जाएगा। अगर किसी का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया हो तो उसकी भी जानकारी निकाली जाएगी। बूथ के अंतर्गत विशेष नागरिक महिला युवाओं से संपर्क किया जाएगा। यह अभियान 4 फरवरी से 11 फरवरी तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत बूथ स्तर पर एक प्रवासी कार्यकर्ता समन्वय कार्य में योगदान देगा। 18 विषयों की जानकारी एकत्र की जाएगी। एक बूथ में 900 से 1100 मतदाता रहते हैं, उनमें भेंट दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुड़े, विधायक कृष्णा खोपड़े, प्रवीण दटके, मोहन मते, विकास कुंभारी, पूर्व विधायक अनिल सूले, गिरीश व्यास, सुधाकर कोय, प्रदेश पदाधिकारी संजय भिंडे, उपेंद्र कोठेकर, धर्मपाल मेश्राम, चंदन गोस्वामी, अर्चना डेहनकर, वैशाली चोपड़े, राम अम्बुलकर, गुड्डू त्रिवेदी, संदीप गवई, अश्विनी जिस्कार, विष्णु चौहानदेव, भोजराज रूपे, संदीप जोशी, दयाशंकर तिवारी, नंदा जिस्कार, संजय बंगाले सहित अन्य प्रमुख पदाधिकारी इस अभियान में शामिल रहेंगे। इसका तीव्र निषेध करते हैं। विद्यापीठ परिसर यह संस्कारों का परिसर है, जहाँ पर बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई कर वहाँ पर हमारे देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया उनसे प्रेरणा लेते हैं। कांग्रेस ने निचले स्तर की राजनीति करना शुरू कर दी है। जिन्होंने अपने देश के लिए अपने परिवार का खुद का बलिदान दिया है, ऐसे सावरकर परिवार, स्वतंत्र वीर सावरकर जी, इनका वहाँ पुतला जलाया गया कांग्रेस के लिए, ये देश में बहुत बड़ा अपना अपमान बलिदानियों का हुआ है, शहीद क्रांतिवीरों का हुआ है। जिन सावरकर जी ने अभिनव भारत नाम की संगठन चलाकर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा, देश को स्वतंत्रता देने के लिए अपने जीवन की आहुति दी, जिन्होंने काला पानी की शिक्षा भोगी, कांग्रेस के कोई नेता ने काला पानी की शिक्षा भोगी नहीं, लेकिन कांग्रेस के नेता आज ऐसी राजनीति कर रहे हैं, एक निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये सावरकर जी का अपमान भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन इसका हम प्रत्युत्तर भी देंगे, इसका भी हम निश्चित करते हैं। इसीलिए हमारा ठिया आंदोलन ये जिला परिषद में होगा। जिला परिषद का हम कल कामकाज बंद करेंगे और जब तक आरोपी को अटक नहीं होती तब तक भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता हम ठेला लगाकर उस जिला परिषद के कार्यालय में बैठेंगे। मोदी जी का अपमान यानी ये देश का अपमान है और कांग्रेस की यही राजनीति रही है। कांग्रेस के जितने भी नेता हैं विदेश में जाकर भारत का अपमान करते हैं, देश का अपमान करते हैं और हमारे मोदी जी का अपमान करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेंगी, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।